हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे, जब भी आप गूगल ड्राइव पे या किसी को मेल करते हो, जो आप फाइल अटैच करते हो, अपलोड करते हो, तो आपको इस एरर का सामना करना पड़ता है, एरर अपलोडिंग सर्वर रिजेक्टेड। ठीक है, तो इसका क्या सोल्यूशन है वो इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि जो मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। यहाँ ये एक फ्लैक्स बैनर है, और जिसको जैसे कि ये फ्लैक्स बैनर है तो उसे मुझे प्रिंट करना है। तो आपको पता है कि जो बैनर, जो फ्लैक्स बैनर का जो प्रिंटिंग के लिए जो प्रिंट फॉर्मेट होता है वो टिफ होता है। और ये जो अभी डिज़ाइन है ये इंचज़ में बनी हुई है, इसकी जो यूनिट है इसको इंचज़ कर लेता हूँ। तो अभी आप देखेंगे ये जो डिज़ाइन है वो 7 इंचज़ बाई 4 इंचज़, यानी कि 7 फुट बाई 4 फुट में बना हुआ है। और जब हम इंचज़ में बनाते हैं, इसे हम एक्सपोर्ट करेंगे फिट में, और इसे हम टिफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई, या फिर आप फाइल में जाके भी आप यहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल ई, तो मैं इसे शॉर्टकट यूज़ करता हूँ। और यहाँ आप डेस्टिनेशन चुन लेंगे आपको ये कहाँ एक्सपोर्ट करनी है। और आपको ध्यान रखना है, यहाँ आप जो भी फाइल नेम दे दीजिए, मैं 7x5 दे देता हूँ। सेविस टाइप आपको बाय डिफॉल्ट जो भी होगा, आपको यहाँ टी प्रेस करना है। जब आप टी प्रेस करोगे तो टू ट्राई फॉन्ट भी आता है, आपको टिफ पे क्लिक करना है। और यहाँ आपको सेलेक्ट ओनली पे जरूर चेक लगाना है, क्योंकि उसके आसपास जो भी डेटा होगा, जो भी मतलब आपने डिज़ाइन बनाएगा वो एक्सपोर्ट नहीं होगा, सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट ही एक्सपोर्ट होगा। तो सेलेक्ट ओनली पे चेक लगाना ना भूलें। और दूसरा LWZ कंप्रेशन, यहाँ कई सारे आपको कंप्रेशन दिख रहे हैं, तो आपको LWZ कंप्रेशन करना है। इससे फाइल साइज जो है कंप्रेस होता है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो फाइल साइज बहुत बड़ा होगा और सिस्टम हैंग करता है। हम करेंगे एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं जो हमने इंचज़ में बनाया था इसे हमें फिट में कन्वर्ट करना है। तो 1 फिट में 12 इंचज़ होते हैं, तो हम यहाँ करेंगे 12×7=84, यानी कि 84, और 12×48 यानी कि 48। ठीक है, रेजोल्यूशन बाय डिफ़ॉल्ट हमें 72 रहने देना है। और ये सारे जो सेटिंग्स देखने हैं आपको ये रहना है, और हमें जो इसका कलर मोड है वो हमें रखना है CMYK। ठीक है, और ओके। ठीक है, और यहाँ मैं कंपोज कर लेता हूँ मेल। ठीक है, कंपोज करूँगा तो यहाँ मैं सुशील कुमार जो भी है मेल आईडी उसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, और यहाँ फाइल अटैच कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं, तो ये मेरे गूगल ड्राइव पे पहले अटैच हो रही है, क्योंकि ये 25 MB से ज़्यादा साइज है। और ये एरर आपको जब आता है, जब आप आपके ड्राइव में जगह नहीं होती, आपके जो डेटा स्टोरेज है गूगल ड्राइव वहाँ आपको स्पेस नहीं होता है। और लगभग 28% जो स्पेस है वो मेरी ड्राइव में है, फिर भी इस मुझे एरर का सामना करना पड़ रहा है। उसका सॉल्यूशन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम एरर देख लेते हैं कि जब आप इसको अपलोड करोगे तो आपको इस तरीके का एरर शो करने को मिलेगा। तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं एरर अपलोडिंग सर्वर रिजेक्टेड। आपको कई बार, आप उसको बार बार भी करेंगे, आप जितनी बार भी करेंगे आपको उतनी बार इसका सामना करना पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन इसका ये है। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, ये सिर्फ टिफ के लिए नहीं है। चाहे आपका डॉक्यूमेंट PDF हो, चाहे आप JPG हो, चाहे भी आपकी एक्सेल की फाइल हो, कुछ भी हो जो आप इसको अपलोड कर रहे हैं, मतलब वीडियो फॉर्मेट कुछ भी हो, और आपको इस तरीके का जो एरर दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली आप क्या करेंगे, आप इसको एक न्यू फोल्डर में मतलब क्रिएट कर लेंगे, और आप उस फोल्डर में राइट क्लिक करके, जैसे कि ये जो इमेज है इसको मैंने देखी, इसको करा हुआ है, मैंने इसको न्यू फोल्डर में क्रिएट कर ली। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और आप सेंड टू पे क्लिक करेंगे, और सेंड टू के आगे आप देख रहे हैं कंप्रेस जिप्ड फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसी नाम का एक आपको जिप्ड फोल्डर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं वो इधर बन चुका है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये आपका जिप्ड फोल्डर बन चुका है। अब आप गूगल खोलिए, आपको जिसको भी सो अटैच करना है, सो जिस भी इसको आपको कंपोज करना है उसका मेल आईडी डालिए, और यहाँ उसके फाइल अटैच करिए। डेस्टिनेशन मेरा डेस्कटॉप था, और मैं यहाँ इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे जो जिप फोल्डर है आपको उस पर क्लिक करना है और ओपन करना है। तो लगभग ये यहाँ अपलोड हो चुकी है, और आप अभी देखेंगे, ये देखिए ये बिल्कुल ईजीली मतलब विदाउट एरर ये अपलोड हो चुकी है। आप इसको जस्ट सेंड कर देंगे, सब्जेक्ट डाल के जो भी आपको उसमें इंस्ट्रक्शंस देने हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है सब्जेक्ट डालना है, उसके बाद इसे ओके कर देंगे। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल रही होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।